रूस यूक्रेन युद्ध का समय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई देशों ने, यहां तक कि नेटो ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी ही जिद पर अड़े हैं। मैं не відмовимось від прав України на всю свою територію. Ми вважаємо себе вправі применять наше оружие против военных объектов тех стран. वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी रूस के हमले का डटकर जवाब दे रहा है। अब यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस के कुर्स्क इलाके में अमेरिकी मिसाइल एटकैम्स दागी है। ये कहा जा रहा है कि इसमें नेटो का सपोर्ट है, लेकिन रूस भी कहां चुप बैठने वाला है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन को कमजोर करने के लिए अगले 24 घंटे में रूस अपनी नई हाइपरसोनिक और शेनिक मिसाइल दोबारा यूक्रेन पर खतरनाक हमला कर सकता है। इस बार रूस नेटो के बेस को भी हमले की चपेट में ले सकता है। कितनी खतरनाक है ओरेशनिक मिसाइल? ये एक हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए 55,000 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकती है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम है, यानी एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। इसमें एक साथ 6 से 8 हथियार लगा सकते हैं, यानी एक बार इतने टारगेट्स पर हमला कर सकती है। बस पुतिन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। जहां एक ओर रूसी सेना हमले के लिए तैयार है, वहीं अब तो बस पुतिन के एक इशारे का ही इंतजार किया जा रहा है कि कब पुतिन सिग्नल दे और रूस यूक्रेन में तबाही के लिए अपनी हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल से हमला कर दे। दूसरी ओर पुतिन तो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उनकी धरती के खिलाफ कोई भी देश लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो हम उसका मिलिट्री फैसिलिटी को उड़ाने में जरा सी भी देर नहीं करेंगे। इन नाटो बेस पर रूस कर सकता है हमला। पोलैंड से लास्क एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स मौजूद है। फॉरवर्ड ऑपरेटिंग स्टाइस पोविज जगन और पोजनान, यहां पर अमेरिकी हथियार और यंत्रों का स्टोरेज है। अमेरिकी वी कॉर्प्स का फॉरवर्ड मुख्यालय और अमेरिकी जीएस एशोर मिसाइल का ठिकाना यानी रेड जीकोवो बेस है। यहां अगर रूसी हमला हुआ तो यूक्रेन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लातविया के सोलोनिया मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया पर नेटो का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। लिथुआनिया का रुडिनिन काई मिलिट्री बेस जर्मनी का संभावित स्थायी विदेशी बेस है, जिसमें करीब 5,000 जर्मन सैनिक रहेंगे। इसका अभी निर्माण हो रहा है। रोमानिया के देवेसेलू मिलिट्री बेस पर अमेरिकी एजीश एशोर मिसाइलें रखी हैं। मिसाइल कोगल निसियानू मिलिट्री बेस नाटो का यूरोप में पूर्वोत्तर बेस है। यहाँ पर अमेरिकी आर्मी एरिया सपोर्ट ग्रुप ब्लैक सी रीजनल कमांड है। यही नहीं, बुल्गारिया, कोसोवो, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली, ग्रीस, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल में भी नाटो बेस है जिन पर रूस की सीधी नजर है। अगर ओरेशनिक मिसाइल रूस के अस्त्राखान से दागी जाती है तो इंग्लैंड पहुंचने में इसे 19 मिनट, बेल्जियम पहुंचने में 14 मिनट, जर्मनी पहुंचने में 11 मिनट और पोलैंड पहुंचने में मात्र 8 मिनट लगेंगे। रूसी सेना के रिटायर्ड कर्नल विक्टर लिटवोकिन ने कहा कि अमेरिका और नेटो के पास इस मिसाइल को रोकने की ताकत नहीं है। इसकी गति ही इसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। पश्चिमी देशों के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो इस गति में उड़ान भर सके।